హాయ్ వ్యూయర్స్, ఏఎంపిఎం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మే ఆజ్ దేశ్ కి జనతా కే సామ్నే స్పష్ట కర్నా చాహతా హూ కే ఎన్ఆర్సీ కైసే ఆయా. అసామ్ కే అందర్ అవైధ ఘుసపేట్ కే కారణ్ వహాన్ కా జనజీవన్ ప్రభావిత్ హోతా థా. అసామీ జనతానే ఔర్ విశేష్కర్ असम के विद्यार्थियों ने एक लंबा आंदोलन छेड़ा. सैकड़ों युवा ये आंदोलन में मारे गए, शहीद हुए, और उसके बाद में एक असम एकॉर्ड साइन किया गया उस वक्त की सरकार ने. 14 अगस्त 1985 को देर रात शाम को रात को 3 बजे असम एकॉर्ड साइन हुआ. उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ श्री राजीव गांधी थे. कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी. असम एकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने साइन किया. अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आज वोट बैंक के लिए आप किस प्रकार से एनआरसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर सकते हो? एनआरसी की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने करी. 2005 में भी एनआरसी बनाने की शुरुआत करी. आप में साहस नहीं था देश में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का, क्योंकि आपके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था. देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी, यहां के नागरिकों के अधिकार महत्वपूर्ण नहीं थे. साहस नहीं था. 2005 में शुरू कर उसको छोड़ दिया गया. उसके बाद में असम के नागरिकों ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की. पीआईएल के तहत ऑर्डर हुआ. ऑर्डर में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया. टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एनआरसी बनाने का काम चालू किया, और आज उसका प्राथमिक ड्राफ्ट बनकर लोगों के सामने गया है, जिसमें 40 लाख संदिग्ध लोगों को अलग थलग किया गया है. ये एससी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. इसकी पूरी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब की हुई है. ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है, मॉनिटरिंग में चल रही है.